स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर विकास प्राधिकरण की गुलमोहर कंप्लेन स्कीम नंबर 136 रहवासी मल्टी में घटिया निर्माण को लेकर आज बीजेपी विधायक रमेश मिंदोला और पार्षद मुन्ना लाल यादव के साथ आईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को मल्टी कर घटिया निर्माण से अवगत कराया। वहीं आईडी सीईओ ने मल्टी का निरीक्षण कर खामियों को दूर करने का रहवासियों को आश्वासन दिया है। दरअसल बीजेपी पार्षद मुन्ना लाल यादव ने बताया कि इंदौर के स्कीम नंबर 136 मल्टी गुलमोहर के रहवासियों द्वारा लगातार घटिया निर्माण और लिफ्ट खराबी जैसी शिकायतें जनप्रतिनिधियों को मिल रही थी, जिसके चलते आज विधायक रमेश मेंदोला, पार्षद मुन्ना लाल यादव गुलमोहर कॉम्प्लेक्स के रहवासियों के साथ आईडीए सीईओ विवेक छोत्रिया से मिले और घटिया निर्माण की जानकारी दी। रहवासियों का आरोप है कि मल्टी में घटिया निर्माण के साथ ही बिजली, सिविल, सैनिटरी और ड्रेनेज की लगातार समस्या आ रही है। पार्षद मुन्ना लाल ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा मल्टी के काम की समीक्षा आईडीए अधिकारियों द्वारा समय समय पर नहीं ली गई, जिसके चलते घटिया निर्माण किया गया, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आईडीए की है, जिसका खामियाजा मल्टी के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मल्टी की मूल शिकायत इसका प्लास्टर बहुत कमजोर होना है, साथ ही ड्रेनेज भी ठीक नहीं है। इसकी शिकायत को लेकर आज विधायक रमेश मेंदोला, पार्षद सहित रहवासी मिले, उनको जल्द परेशानी हल करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही रहवासियों से लिस्ट देने की बात कही गई है, ताकि उसे दुरुस्त किया जा सके। वहीं आईडीए सीईओ विवेक छोत्रे ने बताया कि ठेकेदार द्वारा अगर मल्टी निर्माण में कोई त्रुटि होती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण ने स्कीम नंबर 136 में मल्टी बनाई है, गुलमोहर कॉम्प्लेक्स 1 BHK फ्लैट हैं, लोगों ने 13,60,000 रुपए में वो परचेस किए है ना, 336 के करीब पूरी मल्टी में फ्लैट हैं और उन पूरी मल्टी में ही घटिया निर्माण है। विद्युत का भी घटिया निर्माण है, सिविल का भी है और सेनेटरी का जो है वो भी सारा ऐसा घटिया है कि जिसमें वो मकान रहवासियों के रहने लायक नहीं। रहवासियों की पहली मांग है कि हमारे तो पैसे वापस कर दिए जाएँ और आईडिया अपनी मल्टी ले ले, उसमें रहना संभव नहीं है। ड्रेनेज के पानी की बदबू आती है, लाइट जल जाती है, लिफ्ट फंस जाती है, खील ठोकने जाओ तो पलस्तर गिर जाता है ना, ऊपर नीचे जाने के लिए जो लिफ्ट लगी हैं वो बंद पड़ी रहती हैं, लोगों को जाना पड़ता है। किचन जो इंजीनियरिंग सिस्टम होता है कि किचन कितने हाइट का होगा है ना, वो भी ख़राब है। और किस हिसाब से जो पूरा ऐसा जो कोई बल्टी बनती है तो पूरा नक्शा बनता है, पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम उसमें रहता है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने जिस ठेकेदार को ठेका दिया उसने 3-4 साल काम किया होगा, 3-4 साल तक किसी भी अधिकारी ने जाके देखा नहीं कि क्वालिटी किस प्रकार की, कौन से सीमेंट वापर रहे हैं, कितनी सीमेंट मिला रहे हैं, पलस्तर में क्या कर रहे हैं, भीम कालम में क्या कर रहे हैं, सारा के घटिया का घटिया निर्माण है। और एजेंसी कौन थी? आईडीए। आईडीए से क्रम सारे लोगों ने तो मोल लिए हैं। आईडीए की जवाबदारी थी कि क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और ठेकेदार से जिस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं वो काम कराते, वो कराया नहीं है और उसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम ये जो निर्माण है गुलमोहर कॉम्प्लेक्स का, योजना क्रमांक 136 का है, इसका निर्माण 2018 में पूरा हो गया था और 2019 में मैंने प्रभार जब लिया उसके बाद भी कुछ लोग जिनको ये मिला था उनके द्वारा शिकायत की गई थी और लगभग 60 लोग उस समय आए थे। मैंने एक एक आदमी का जो भी है समस्या उसको लिखा था और उसको दुरुस्त भी कराया था। मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, ये हमारा बहुत कम बजट का शायद इंदौर में सबसे कम बजट की हमारी स्कीम है, प्रोजेक्ट है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें पैसे का प्रोविज़न नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं पर हम कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। जब पिछले साल जिन्होंने बाद में फ्लैट लिए हुए हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और इनके मूल रूप से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये थी कि प्लास्टर जो है वो कमज़ोर है और उनके जो टॉयलेट में जो है वो सीट्स वगैरह जो लगी हुई है वहाँ पर ड्रेनेज को लेकर कुछ इशू है। इस बारे में हमने अभी कुछ महीने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किया है, वो वहाँ पर जाकर सभी का एक एक फ्लैट का काम प्रारंभ किया भी था उसने, पर चूँकि लोग ज़्यादा हैं, उनको समस्याएँ ज़्यादा लोगों को हैं, तो मुझे जो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया है कि उसको काम करने में प्राथमिकता नहीं हो पाती, सभी लोग उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं हमारे यहाँ काम करो। आज माननीय विधायक जी यहाँ पर आए हुए थे, पार्षद जी भी उनके साथ में थे, तो इन सभी से हमने उनसे निवेदन यही किया कि सभी रहवासी भी थे कि आप सब लोग मिलकर अपनी
पहले इनलिस्ट कर दूँ, मेरे को एक सूची दे दें आप कि हमारे यहाँ किस फ्लैट में कहाँ पर काम होना है, तो हम सारे के सारे जितने भी फ्लैट्स हैं सभी रहवासियों का उसी क्रम में काम करवा देंगे। जहाँ तक सोसाइटी को चलाने की बात है, उस संबंध में भी उनसे अनुरोध किया गया है कि अपनी जो संस्था है उसको डेमोक्रेटिकली एक दुरुस्त करें, उसको उसमें चयन करें उसमें, ताकि जिम्मेदार लोग सामने आएं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।